सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने यह अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताया है। आइए 10 आसान पॉइंट्स में समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि काले धन को रोकने के लिए दूसरे और भी रास्ते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वोटर को पार्टी की फंडिंग के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडिंग की जानकारी ना देना मकसद के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को आरटीआई के खिलाफ भी बताया है। इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि चुनाव आयोग एसबीआई से चुनावी बॉन्ड की जानकारी ले। चुनाव आयोग को 3 हफ्ते में ये जानकारी लेने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा न सिर्फ जानकारी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी बल्कि एसबीआई से 2019 से अब तक का पूरा हिसाब भी मांगा गया है।